माई, माफ करना मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है कि इतने दिनों के बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारे लिए क्या क्या बनाऊं। और जब समझ नहीं आया तो बहुत सारे व्यंजन बनाए मैंने तुम्हारे लिए। तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। हाँ, कैसी हो बायज़ा माँ? मैं कैसी हूँ? तुम्हें देखने के बाद कोई दुखी रह सकता है क्या? हाँ, पहले तुम बताओ, मैं इतने दिनों यहाँ नहीं थी तो ठीक से खाना खाया या सब दान कर देते थे? चलो आओ। साई, मुझे उम्मीद है कि तुलसा का बुरा समय जल्दी ही बीत जाएगा। कावेरी ने बताया मुझे सब, बस हैरानी इस बात की है कि इतना सब कुछ इसने कैसे सह लिया, वो भी इस गांव में तुम्हारे होते हुए। साई, तुम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते क्या? बुरा वक्त तो सबकी जिंदगी में आता है बायज़ा माँ। जिंदगी सभी का इम्तिहान लेती है और जिंदगी का एक अनोखा ही ढंग है हमें सिखाने का, हमारी परीक्षा लेने का, हमें तोड़ने का और तोड़कर फिर से बनाने का। और अगर बुरा वक्त खत्म नहीं हुआ है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ। पता नहीं मेरी मेरी बहन किस हाल में होगी। मुझे पता है खंडोबा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसलिए आपसे कुछ भी मांगना, कुछ भी पूछना इसका अधिकार नहीं है मुझे। लेकिन अगर इतनी वर्षों तक मेरी सेवा, मेरी भक्ति, उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो कृपा करके आप मुझे इस बात का संकेत अवश्य दीजिए कि मेरी बहन तुलसा सही सलामत है, कुशल है वो। खंडोबा, मुझे संकेत दीजिए। अब जाके सुकून मिला मुझे। मुझे भी माँ के हाथ से खाना खा के तृप्ति हुई। साई, अद्भुत, किसके लिए बनाई है? मेरी बेटी मंजीरी के लिए, उसे शंख की माला चाहिए थी। मैं उसे दूंगी ना, बहुत खुश हो जाएगी शंख की माला देखकर। बहुत मंजीरी बेटा, क्या तुम चाहती हो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास यहां रहे? नहीं। तुलसा, क्या हुआ? मुझे नहीं लगता मैं अपनी बेटी से कभी जिंदगी में मिल पाऊंगी। एक बार ये माला अपने हाथ में लेकर सच्चे दिल से अपनी बेटी को याद करो। अगर मालिक ने चाहा तो बहुत जल्द अपनी बेटी को अपने हाथों से ये माला पहनाओगी तुम। सच? भरोसा करके तो देखो। आ, 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 आ,
चलता हूं बायजा मां। मेरी बेटी को मुझसे मिलवा दो भगवान, मुझे उससे मिला दो। आलसपति जी, आप अभी तक घर नहीं गए, लगता है आपको समाचार नहीं मिला। कौन सा समाचार? बायजा अक्का को जंगल में तुलसा मिली और वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आई। क्या तुलसा ठीक तो है ना? ठीक है। और बायजा अक्का को पता चल गया कि आपने कुलकर्णी सरकार के दबाव में आकर तुलसा को छोड़ा है, इसलिए तुलसा को उन्होंने अपने घर पे ही रखा है। मैं भी उससे मिल के आता हूँ, मुझे उससे माफी मांगनी है। इतने सालों मैंने आपकी सेवा की, लेकिन आज आपने मुझे ये एहसास दिला दिया कि आप अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। अब मुझे शांति मिली है, मुझे मालूम हो गया है कि वो कुशल से है। मालसापति जी, मेरे आई की तबीयत ठीक नहीं है, वो जल्दी से ठीक हो जाए इसलिए पूजा करवानी है मुझे आपसे। साई, प्रणाम। साई राम जी भला करें। साई, उस दिन आपकी कृपा से सारी दीमक चली गई थी, सही कहा था आपने, नहीं तो मैं इसे कटवाने वाला था। जीवन अमूल्य है और हमें उसे उसके हर रूप में संरक्षित रखना चाहिए। साई साई साई, वो कुलकर्णी सरकार के आदमी तुलसा को चावड़ी ले गए। छोड़ दीजिए मुझे, भगवान के लिए जाने दीजिए मुझे। हरि ओम। जाने ही दिया था तुझे पहले, तू ही वापस आ गई। कौन लाया तुझे बताओ? सरकार, बायजा आपका को आपके हुकुम के बारे में पता नहीं था। मात्र एक दिन पहले मैंने विकल्प दिया था मालसापति को, या इसे शिरडी के बाहर करो नहीं तो नुकसान की भरपाई दे दो।
अब ये वापिस आ गई है तो पहले से ज्यादा नुकसान करेंगे। हाँ, सरकार सही कह रहे हैं, हमें बायजा अक्का से कहना चाहिए था कि इसे गांव से बाहर निकाले। अरे ये कोई साधारण औरत नहीं है, डायन है ये, डायन। ये दोबारा आ गई है तो किसी न किसी को अपना शिकार जरूर बनाएगी, देख लेना। इससे बचने का एक ही विकल्प है, क्योंकि मैं गांव का मुखिया हूं, मैं ये निर्देश देता हूं कि इस डायन को पत्थर मार मार कर मृत्यु दी जाए। सरकार, 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 मेरी बहन निर्दोष है सरकार, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, वो डायन नहीं है। हरि ओम, यदि तुमने मेरे निर्णय में हस्तक्षेप किया, इस डायन के साथ साथ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस डायन को गांव में लाने के अपराध में वही दंड भुगतना पड़ेगा। हरि ओम। सरकार, सरकार, आप ये चाहते हैं कि तुलसा के प्राण हम लोग लें? क्या तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करते रहोगे जब तक ये तुम्हारे बच्चों के प्राण न ले ले? मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम लोग इसकी नहीं अपने प्राणों की चिंता करो। मैं जानता हूं कि तुम में से कई लोग जो कायर हैं, डरपोक हैं, जो पत्थर को हाथ तक नहीं लगाएंगे, तुम में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनके हृदय अब तक इस डायन के घड़ियाली आंसू से पिघल भी गए होंगे। हरि ओम। लेकिन ये मत भूलो, ये साधारण स्त्री नहीं है, ये डायन है, डायन। अब निर्णय तुम लोगों को लेना है, इसे जीवित छोड़ना चाहते हो या इसके हाथों मरना चाहते हो? ये जीवित नहीं रहनी चाहिए, ये हम सब लोगों के लिए खतरा है। हाँ हाँ हाँ, इसको मार देना चाहिए, अगर ये जीवित रही तो पूरे गांव को खा जाएगी। इसे जीवित रहने का कोई हक नहीं है, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मारो इसको। हाँ, मार मार के इसकी जान ले लो। तो निर्णय हो चुका, जाओ पत्थर लेके आओ और इस डायन की जीवन लीला को समाप्त कर दो। हरि ओम। रहा था कि तुम अब तक आए कैसे नहीं, क्योंकि तू एक अवसर भी नहीं छोड़ता है मेरे निर्णयों में हस्तक्षेप करने का। लेकिन इस बार बीच में पड़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि प्रश्न गांव के भलाई का है, लोगों के हित का है। हरि ओम। लेकिन आप तो शिरडी वासियों को हिंसा के मार्ग पर ले जा रहे हैं, हत्यारा बना रहे हैं इन लोगों को। और हत्यारा बनने में किसी का भला कैसे हो सकता है? आत्मरक्षा के लिए किसी को मारना अपराध नहीं होता है बैरागी,
और ये सिद्ध हो चुका है कि ये डायन है। और ये निर्णय केवल मेरा नहीं है बैरागी, पूरे गांव का निर्णय है, ये सहमति के साथ लिया हुआ निर्णय है। क्या तुम गांव के निर्णय को बदलना चाहते हो? प्रयास करके देख लो। चलो मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम इनका विश्वास कैसे जीत लेते हो। योम, माफ कीजिएगा लेकिन इस बारे में मेरा ज्ञान थोड़ा कम है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि डायन क्या होती है? एक बुरी औरत होती है जो अपने काले जादू से, तंत्र मंत्र से लोगों को नुकसान पहुंचाती है। इससे जुड़ा हुआ डायन है। हाँ, उसके पैर उल्टे होते हैं और वो जहां भी मौजूद होती है वहां का माहौल बहुत ही भयानक होता है। होती तो वो बहुत डरावनी है पर लोगों को उसका असली रूप नहीं दिखता, रूप बदलती है वो। हाँ साईं, वो लोगों के दिमाग को अपने काबू में कर सकती है और बुरी नजर से किसी को भी मार सकती है, परिवार को शाप भी दे सकती है। साईं, डायन की चोटी इतनी लंबी होती है कि उसका उपयोग करके वो गले में फंदा डालकर लोगों को मार भी सकती है। हरिओम हरिओम, आप लोगों के हिसाब से तुलसा डायन है? जी साईं। तो ये जो खूबियां, जो शक्तियां आपने बताई वो सब तो तुलसा में होनी चाहिए। हाँ। तो क्या आप में से कोई बता सकता है अगर तुलसा इतनी शक्तिशाली डायन है तो अभी तक अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए इसने आप लोगों के दिमाग को अपने काबू में क्यों नहीं लिया? अगर तुलसा डायन है, इतनी शक्तिशाली है, तो फिर जो लोग इसे यहां पकड़ कर लाए उन लोगों को और उनके परिवार को श्राप देकर अभी तक बर्बाद क्यों नहीं कर दिया इसने? क्या आप में से कोई बता सकता है कि अगर तुलसा इतनी शक्तिशाली है, वो एक डायन है, तो अभी तक अपने सारे दुश्मनों को खत्म क्यों नहीं कर दिया उसने? कोई जवाब नहीं है आपके पास। और जैसा मैं देख पा रहा हूं तो यहां मौजूद सब लोगों में अगर कोई सबसे कमजोर, सबसे बेबस, सबसे लाचार है तो वो तुलसा है। ये तो एक सरल हृदय की छल कपट से दूर सीधी सादी स्त्री है, एक मां है, एक बहन है, एक बेटी है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि इसका पक्ष लेने वाला कोई नहीं है, अकेली है ये, बहुत मजबूर, बहुत लाचार है ये। पर देखने से तो कोई भी भ्रमित हो सकता है साईं। बिल्कुल सही कहा, देखने से कोई भी भ्रमित हो सकता है, जैसे जैसे किसी के बारे में मनगढ़ंत बात सुनकर कोई भ्रमित हो सकता है। और युगों से हमारे समाज में इसका सबसे आसान शिकार स्त्रियां ही होती आई हैं। बहुत हैरत की बात है कि हमारे समाज में जिस स्त्री को हम मां के रूप में पूजते हैं, शक्ति के रूप में पूजते हैं, वही स्त्री हमारे लिए डायन हो जाती है, चुड़ैल हो जाती है। हमारे समाज में स्त्री की पूजा होती है लेकिन केवल तब तक जब तक वो समाज की अपेक्षाओं पर खरी उतरती रहे, पुरुष प्रधान समाज के बनाए हुए नियमों पर चलती रहे, बिल्कुल खामोश एक मूर्ति की तरह। अंधविश्वास के आधार पर चल रहे हमारे समाज में किसी को भी चुड़ैल, डायन घोषित कर देना ये बहुत आसान है, क्योंकि क्योंकि अंधविश्वास में तर्क से तो काम ही नहीं लेते हम। हमें बस लोगों के मन में ये डर पैदा करना है कि स्त्री में विनाशकारी शक्तियां हैं,
और बस इकट्ठे हो जाएंगे समाज के जिम्मेदार ठेकेदार लोग, अपने हाथों में पत्थर लेकर की मार दो, जला दो, खत्म कर दो। यही होता आया है और यही होता रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने ये समझने की कोशिश की है कि अगर अगर इस स्त्री में इतनी विनाशकारी शक्तियां हैं तो वो इन शक्तियों का प्रयोग करके अपनी सुरक्षा क्यों नहीं करती? ए बैरागे, मैं जानता हूं तुम ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बायजा मां ने इस टायन को अपने घर में शरण दी हुई है। हरिओम। और ये तुम्हारे खंडर में निशुल्क चाकरी करने आती थी, है कि नहीं? क्या आप लोग इस बैरागी की बात को मानोगे या अपनी आंखों देखी पर विश्वास करोगे? इस डायन ने तुम लोगों को दुख पहुंचाया है, क्षत हुआ है, क्षति हुई है। आप लोग आए थे मेरे पास साक्ष्य लेके और उसके आधार पर मैंने आपके हित में निर्णय दिया था, और आज भी मैंने जो निर्देश दिया है वो आप लोगों के हित में दिया है। हरिओम। ये सच है साईं, हमारे पास साक्ष्य है, इसने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। हाँ साईं, जहां जहां इसकी बुरी नजर पड़ी वहां वहां अवश्य बुरा हुआ है, क्षति हुई है। मैं जानना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्हें तुलसा की वजह से कष्ट पहुंचा है, क्या आप लोग हाथ उठाकर बताएंगे कौन है वो लोग? बाकी बचे लोग, आप लोगों ने कुछ नहीं देखा, आपका कुछ बुरा नहीं हुआ, आपने कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन फिर भी आप तुलसा को मारने के लिए तैयार हो गए, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे, क्योंकि आपने एक अफवाह सुनी थी और आप लोग अफवाहों के आधार पर किसी की जान लेने के लिए तैयार हो गए। क्या ये उचित है? बैरागी, ये भोले भाले लोग हैं, तुम्हारे तर्कों का प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है इन बेचारों के पास। सुनो, अपने तर्कों के आधार पर ही तुम मेरे निर्णय में बाधा ला रहे हो, लेकिन ध्यान में रखना, ये डायन है, इसने लोगों को क्षति पहुंचाई है, लोगों का नुकसान किया है, और इसलिए तुम्हारे तर्कों को सुनने के पश्चात भी ये लोग यहां पे खड़े हैं। इनके मन में डर है, भय है इस डायन को लेकर, और ये सारे लोग इसे दंडित होता हुआ देखना चाहते हैं। तो ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि तुलसा को दंडित किया जाए। अगर इसने किसी का नुकसान किया है, कोई पाप किया है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आइए दंडित कीजिए इसे, लेकिन मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, तुलसा को पत्थर वही मारेगा जिसने कभी किसी का अहित ना किया हो, किसी का बुरा ना किया हो, छल ना किया हो किसी के साथ, किसी को दुख ना पहुंचाया हो, और अगर कोई ऐसा करने के बाद भी दंड देने के लिए आगे आएगा तो फिर वो याद रखे कि उसका पाप उसे काटने के लिए जरूर आएगा। हम बुरे लोग नहीं है, हमने कोई पाप भी नहीं किया है, तो फिर हमें डर क्यों हो? मारो इसे और जान ले लो इस डायन की।